बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब जावेद इकबाल साहब। आज की इस तकरीब में आइए जावेद इकबाल साहब के तासुरात का जायज़ा लेते हैं। जी जी, सबसे पहले हम खालिद जट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस डिनर पे डिनर का इंतजाम किया और पूरे पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब को इनवाइट किया। माशाल्लाह एक तो उन्होंने बहुत इंतज़ाम किया हुआ था खाने का, और सबसे बड़ी बात और मज़े की बात ये कि उन्होंने फिर पूरा हमारे लिए तैयार किया हुआ था। उसके कबाब माशाल्लाह जूसी कबाब सब रेस्टोरेंट ने बहुत पसंद किए, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था, उनके शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट महमूद आलम, और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद जट साहब। खालिद जट साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, और खालिद जट साहब ने अभी पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब को ज्वाइन किया है, तो आइए खालिद जट साहब से उनके तासुरात के बारे में जानते हैं। जी खालिद। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा कर रहा जिन्होंने मैं मौका दिता अपने स्कॉटिश प्रेस क्लब के आने का। ऐस मैं इस खुशी के अपने घर के बारबेक्यू कर रहा, जिस मैं अपने पूरे स्कॉटिश प्रेस क्लब को इनवाइट किया। मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करता जिन्होंने अपना कीमती वक्त काट के इतने शरीफ लियाए ने। मैं बेहद शुक्रगुजार इन्हों का, तो इंशाल्लाह होप करता वा भी सारा प्रेस क्लब जोड़ा वा वर्क टूगैदर आ होपफुली इट बी अ सक्सैसफुल टीम, ग्रेट टीम। थैंक यू स्कॉटिश क्लब। जी मेरा बेस्ट फ्रेंड आ स्कॉ गार्डनर, जिन्हों मैं तकरीबन एटलीस्ट लास्ट 15-20 ईयर आई नो हिम, आई ऑलवेज गो विद हिम शुअन। एंड जो आज हम खा रहे हैं डियर, वो इसी ने शूट किया और मैंने हलाल किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्कॉ गार्डनर साहब का, जेड़े मैनू हमेशा अपने नाल लैके जाते ने, ते इंशाल्लाह एज ए बेस्ट फ्रेंड होपफुली ही कीप गोइंग लाइक दिस। स्कॉ, वुड यू लाइक टू से एनी वर्ड्स अबाउट फादर्स एनी वर्ड टू गो हंटिंग विद हिम? He does enjoy hunting very much, and I'm trying to get him to get a rifle so that he can start shooting them. He's not actually shot any yet. Oh, he does like shooting pigeons, but we need to get him on the deer. Yeah, right. How often you do hunting? The season's summer, just starting now, so from now through till end of March, because we haven't had a season like that. So that was 6-7 years ago. So where you often go actually for hunting? I've just come back today from off the ferry, which is up past Oklahoma. About an hour, and then in the week we went to sleep. It's quite far away from here, so that, you know. But if you want, हमारे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के शाहिद मीर साहब। शाहिद मीर साहब जनरल सेक्रेटरी। तो आज की पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू महमूद आलम, एंड थैंक यू भाई जावेद, आशियाना टीवी का थैंक यू कि आप पूरी कवरेज कर रहे हैं जब से भी हम आए हैं माशाल्लाह। ये आज का दिन जो है, ये मैं समझता हूँ तारीखी दिन है, और मैं जट साहब को पहले ही कह रहा था कि इंशाल्लाह आप पार्टी कर रहे हैं, और मुझे वो बार बार का फ़ोन कर रहे थे कि मीर साहब ये ना हो कि सब साथी ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह सब साथी आएंगे, और ये दिन इंशाल्लाह ता ज़िंदगी याद रखा जाएगा। ये पार्टी, ये दावत जिसने अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया अपने घर पर, और पूरी एक अच्छी बात है उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है माशाल्लाह, बच्चे भी उनके खाना पेश कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि पता चल रहा है कि पूरी फैमिली जो है ना वो दिल से खुश है कि आप लोग आए, मैं इज्जत दी इतनी दूर आए।
और बहुत ही अच्छी दावत है, बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है। एक्सीलेंट, ऑल क्रेडिट गोज़ टू खालिद जट साहब, इनकी फैमिली को, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किया और खाना भी इतना टेस्टी, और अभी भी खाना स्टार्टेड इतना हैवी था माशाल्लाह, लेकिन इसके बावजूद वो खाने का भी अब खाना लग रहा है। फिर हिरन का गोश्त भी उन्होंने स्पेशल तौर पर तैयार कराया, यहाँ बारबेक्यू का स्पेशल अरेंज था जो अभी दोस्तों ने इंजॉय किया और सब ने पसंद किया। और सबसे बड़ी बात आज खुशी की ये कि हमारे साथ जो हमारे नए दोस्त शामिल हुए हैं लास्ट मंथ से, राजा अजीज़ अरमान, चौधरी बशीर साहब, राजा इकबाल साहब, राजा अपना वसीम साहब और दूसरे भी जो साथी हमारे नए शामिल हुए हैं, उनकी खुशी में असल में ये अरेंजमेंट्स है। खालिद जट साहब बताते खुद वो भी लास्ट टाइम पहली मीटिंग में आए थे, तो हमें बहुत खुशी है। और इन दोस्तों की मोहब्बत और खलूस का नतीजा कि आप सब दोस्त जो है इकट्ठे हुए हैं, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को अब जारी रखा जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट सिटीज़ में हम जाया करेंगे सब दोस्तों के साथ, और पार्टी का अरेंज किया जाएगा, जैसे राजा अजीज साहब ने भी कहा था लास्ट मीटिंग में कि वो भी, और फिर ये मैंने भी सोचा हम मिलपोर्ट जो जजीरा है वहाँ पर भी इंशाल्लाह सून हम जाएंगे, और इस तरह की दावतें अब पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के प्लेटफार्म के नीचे इंशाल्लाह चलती रहेंगी। अब मैं राजा अजीज साहब को माइक देता हूँ, जो कि हमारे प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव हैं और इस प्रेस क्लब की आप जान भी हैं। जी राजा साहब, आप कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मीर साहब शुक्रिया आपने अपने इतने अल्फाज के मेरे लिए, और आशियाना टीवी स्पेशली जावेद साहब और कवरेज के लिए भी बहुत शुक्रिया, और उसके बाद जनाब खालिद जट साहब उनकी फैमिली जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम सब लोगों को वेलकम किया। ये जो सबसे बड़ी बात होती है कि अपनाइए तो भरपूर तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, इसके लिए हम खालिद जट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत। और इतना अच्छा डिनर और पार्टी और दोस्तों को इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और अल्लाह ताला से कोशिश कर देते हैं, लेकिन हम सब लोगों को यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और प्रेस क्लब तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे इसकी पार्टियाँ चलती रहेंगी, सब जगह पे ये काम होता रहेगा, सब दोस्त और भाई मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये भरपूर तरक्की करेंगे। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स, आप इन दोनों को लेकर के फ्यूचर में कैसा देखते हैं? जी महमूद साहब, आपने अच्छा सवाल किया। हमारे जो ये पहले दोस्त थे, हम पहले लंदन का भी टूर किया, और राजा साहब भी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं स्कॉटलैंड की, हमें भी जानते हैं, हम इनको जानते हैं, बड़ा अच्छा हमारा ये अननोन नहीं है हमारे लिए, और मुख्तलि तंजीमों में ये काम भी कर रहे हैं, और समाजी तौर पे और जो सियासी तौर पे भी ये एंट्री है इनकी, हर बंदा जानता है, पुराने नए का ये सब हम सब भाई हैं, और इन शाला तौर हमारा ग्रुप जो आपको पता है फैमिली की तरह, पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया था एक दूसरे के घर दावत का, आपको बता जिस असल में ये क्लबों तंजीमों का राजा साहब सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हेलो हाय करते हैं, फिर फैमिली मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, वरना कहाँ किसी ने फालकर गाना था, कहाँ एरवन, कहाँ ग्लासगो, तो ये क्लब्स और तंजीम ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा जट साहब यही फायदा है कि आप एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, उसमें फिर खानदानों के खानदान मिलते हैं, बिजनेस के फायदे होते हैं, एक दूसरे से हेलो हाय होती है। जी साहब, हमारे पर्स वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं जी, और ये हमारे साथ वहाँ पे मिलकर काफी काम करते हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा माशाल्लाह, आज की जो ऑर्गेनाइज की अपनी पार्टी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, और बारबेक्यू वगैरह लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये फैमिली है कि एक फैमिली एटमोसफियर है, इतने दोस्त यार एक दूसरे से मिलते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इधर नए और पुराने का सर जी कोई सवाल नहीं, सब लोग मिल गए इंशाल्लाह काम करेंगे, सब भाई हैं, पॉलिटिकली भी इंशाल्लाह सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अखलाकी तौर पर भी हेल्प करेंगे, सब लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, तो आइए आज इनसे बात करते हैं कि आज की तकरीब के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा, क्योंकि स्कॉटलैंड में रहते हुए और आपको शिकार करदा जो है वो पार्टी हो, और जिसमें आप हिरन की गोश्त के इंतज़ार में हैं अभी हम, और बहुत ज़बरदस्त पार्टी है, और तकरीबन ग्लासगो के सारे सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, और माहौल भी बहुत अच्छा है, मौसम ज़रा सा ठंडा है जिसकी वजह से बल्कि माहौल में और ज़्यादा गर्मी है। थैंक यू।
आपके साथ मौजूद हैं फराह मलिक, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में ये कैसा महसूस करते हैं? ये आज का जो प्रोग्राम है ना, ये खालिद जट साहब ने अपने घर में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान को दावत दी है और वो हिरन का शिकार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइव जो है मैं आपको हिरन काट के और उसका रोस्ट करके खिलाऊंगा। अभी तक तो हम चिकन और कबाब वगैरह खा चुके हैं, लेकिन हिरन का जो है उसका इंतज़ार है। तमाम स्कॉटिश प्रेस क्लब के मेम्बरान इकट्ठे हुए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक फैमिली का माहौल है और अल्लाह करे किसी तरीके से सबका इत्तेफाक बना रहे। मैंने आपसे एक सवाल करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो प्लीज़। जैसा कि आप देख रही हैं कि नए मेम्बरान पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब में आए हैं, आप उनको लेकर के इनको पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का फ्यूचर कैसे देखती हैं? जो नए मेम्बरान हमारे साथ शामिल हुए हैं वो एक्चुअली हम उनको जानते हैं पहले से, जाने पहचाने हैं अपने भाइयों की तरह। वो पहले भी प्रेस से उनका ताल्लुक है और हमारे साथ जब शामिल हुए हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह इसी तरीके से बहुत अच्छा काम करें और उम्मीद है कि हमारे साथ इस फैमिली में बिल्कुल फैमिली की तरह रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं खालिद जट साहब की रिहाइश गाह पे, जिन्होंने प्रेस क्लब को एक पुरतकल्लफ दावत दी और नए मेंबर जो प्रेस क्लब में ज्वाइन हुए हैं उन्हें वेलकम भी किया। और आइए आज बात करते हैं चौधरी बशीर साहब से, वन ऑफ द न्यू मेंबर्स जो ज्वाइन हुए हैं, उनके ख्याल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीख में अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जिसने ये कायनात नबूवत कबूल करना दोनों सुन्नत है। अल्लाह ताला खालिद हुसैन जट साहब को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, उनके रिस्क में बरकत दे। तो ये उनका बड़ा एक शख्साना है कि उन्होंने पूरे स्कॉटलैंड से जो है हमारे यार दोस्त सब इकट्ठे किए, खासतौर पर राजा इकबाल साहब, वो इनवरनेस लास्ट कोना है स्कॉटलैंड का और बड़ा ही प्यारा खिता है, वहाँ से आए बेचारे। इसी तरह कोई हमारे दोस्त हो जो पर्थ से आए हों, चेयरमैन साहब, और कुछ दोस्त ग्लासगो अलगर्स के स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से सारे फूल इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हम सब बहन भाइयों को मिलकर दावतें करने और दावतें कबूल और इसके साथ बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात है सब सबके जी। यही सवाल मैं राजा इकबाल साहब से करता हूँ, जो हमारे नए मेंबर शामिल हुए प्रेस क्लब में, उनके तसरात और उनके ख्याल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब हम शुक्रिया अदा करते हैं, पहले तो आपका कि खालिद जट साहब का बहुत बड़ा, हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया स्कॉटिश प्रेस क्लब के लिए, तो हम भी उसमें शामिल हुए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने लाइव बिग बारबेक्यू किया, तो प्लस हिरन का भी उन्होंने किया हुआ कि हिरन खा रहे हैं हम सबको जनाब, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के इवेंट ऑर्गेनाइज़र प्रिंस वसीम साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिंस वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि आज की जो शाम है, इस खूबसूरत और दिलकश शाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहले सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा खालिद जट साहब को, जिन्होंने ये सजाया और सब हम सबको इज्जत दी और हमें सबको यहाँ पे बुलाया, बारबेक्यू उन्होंने किया है और अभी हिरन का गोश्त मैं खा के आ रहा हूँ, बहुत ही मज़े का था, इनका कबाब भी बड़े अच्छे थे, बहुत मज़ा आया सबसे मिल के, और इनकी कहते हैं ना कि इन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार से हमें खिलाया है, बहुत हमें अच्छा लगा, और ख़ासकर ये अच्छा लगा कि बहुत ही प्यारा मौसम भी है और सब लोग हम बाहर बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हैं और गपशप मार रहे हैं, पूरा प्रेस क्लब यहाँ पे है, सब लोगों से मुलाकात हो गई, सबसे गपशप हुई और आशियाना टीवी ने
अशाना टीवी ने कवरेज जो की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा हमें इज्जत देते हैं, हमारा नाम रोशन करते हैं, जज़ाकअल्लाह उनका। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये जो पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के जो नए मेंबर्स जो जिन्होंने ज्वाइन किया, इनको लेकर के और पाकिस्तान के जो पुराने मेंबर्स हैं उनको लेकर के आप कैसा फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, जब अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपके जो है कंपनी में बेहतरी आएगी, आप अच्छे इवेंट कर पाएंगे, बहुत बड़े इवेंट कर पाएंगे। जो मेरा ख्वाब है कि हम हिल्टन या मैरियट में एक फंक्शन करें प्रेस का, एज ए प्रेस क्लब 14 अगस्त का, तो वो पॉसिबल होगा क्योंकि और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और अच्छे इवेंट करेंगे। जी, मेरे साथ थे वसीम साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के सदर जनाब खालिद साहब। खालिद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आज की इस महफिल को लेके और इन मेंबरान को लेके, पुराने और नए मेंबरान को लेके, आप इनका पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रेस का फ्यूचर कैसे देखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मोहतरम महमूद साहब और आशीना स्कॉटलैंड साहब, मैं आप लोग मशहूर हूँ कि आप लोग पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रेस क्लब एक गुलदस्ता है, ये बाहर ऐसा क्लब है जहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और सब लोग दूसरे को प्यार करते हैं। और ये आज हमारे खालिद जट साहब, उन्होंने अपने घर के अंदर ये इंतजाम किया और सब लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। तो आने वाले वक्त में पहले भी बहुत सारे हमारे क्लब के मेम्बर ने दावती रखी हैं, इंशाल्लाह फिर ऐसी महफूल होती रहेगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाई ये नहीं कर सकते, ये जो खुशी है ना मिलते हैं, ये इस किस्म की चीज़ है कि ये कर्ण भाई है जहाँ इकट्ठे में कितने हैप्पी हैं। आम जिंदगी में आपस लाखों करोड़ों पाउंड है मगर वो खुश आप खुश नहीं हैं। तो ये एक सिलसिला है हमने शुरू किया है कि पाकिस्तान स्कॉटिश के प्लेटफॉर्म से कि हम गैदरिंग करें, इकट्ठे मिलें, और ये मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों ने तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनवन्या से और चंद्रा से और ग्लासगो से आगे पीर से ऐसे लोग खरीदारे, और आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि ये है कि जैसे नए मेंबरान आए हैं हमारे क्लब में, आपका क्या कहना है कि और लोग भी आएंगे इस क्लब में, आप कैसा देखते हैं फ्यूचर? जब ये क्लब शुरू हुआ था तो जस्ट 2-3 लोग थे, उसके बाद ये हमने इस सिलसिले ऐसा किया कि जो भी हमारे पास आता है वो हमेशा हमारा ही हो जाता है। ये ऐसा सिलसिला बढ़ता गया, जो लोग भी प्रोफेशन हो गए हमारे क्लब में आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे। अच्छा, खालिद साहब, मेरे आपसे एक सवाल है कि देखें बहुत से क्लबों में लोग बातें भी करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने की जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं की जाती, कोई नेगेटिव बातें भी होती हैं कोई पॉजिटिव बातें भी होती हैं। माइंड ना कीजिएगा, मैं भी आपके क्लब का एक मेम्बर ही हूँ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं या नेगेटिव चीज़ देखते हैं? नेगेटिव मैंने कभी देखी नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ। ये हमारे हमारे क्लब को ये ज़्यादा असर है, 5 साल से क्लब में किसी भी मेंबर को हमने क्लब से नहीं निकाला। कुछ लड़ाई भी हो तो हम कोशिश करते हैं कि उनका पैचअप हो जाए, मगर ऐसा नहीं कभी हुआ। वो सारे जितने भी फ्रेंड हैं आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये नए मेंबरान को लेके ये एक नाइस मूव है? ये ज़बरदस्त मूव है जो हमारे क्लब में एक नई जो मूव आई है, चौधरी बशीर साहब भाई और जितने भी सारे दूसरे मेरे दोस्त हैं, ये बहुत ही डिसेंट लोग हैं मेरे क्लब में हैं, ये एक नया रौनक एक नया इजाफा है हमारे क्लब में। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ थे खालिद साहब, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के सदर। मैंने उनसे सवाल किए और उन्होंने नहायत ही उमदा तरीके से उनका जवाब दिया। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अपने पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको मैंने इनवाइट किया और डिफरेंट प्लेसेस से ये तशरीफ लाए, मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपने सारे प्रेस क्लब मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनवरनेस से राजा साहब, एडमबरा से, ग्लासगो से, किलमारनक से सभी तशरीफ लाए
और इन्होंने इंजॉय किया। मैं सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं तो जब भी मौका देखता हूँ तो मैं छोटी बड़ी कोई पार्टी अरेंज ज़रूर करता हूँ। तो इस पार्टी के बिहाइंड मैं ही नहीं था, सिर्फ जिसमें मेरी दोस्त, मेरी वाइफ मिसेज हुसैन बिग हैंड। बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप तशरीफ लाए अपना कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू खालिद जट साहब, थैंक यू वेरी मच। बाबी, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट अवर कंपनी एंड अवर मिस अबाउट पर्सन? सबसे पहले मुझे ये था कि शायद इतने लोग आ रहे हैं तो शायद ना कि चुमेगी नहीं, क्या करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत नाइस है। मुझे ऐसे की घर का अच्छे से हमारे घर आ रहे हैं और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मज़ा आया। इन जगह थैंक यू वेरी मच।